नमस्कार। 1 जुलाई 2020 फिर एक बार लंबे अरसे के बाद आप लोगों के सामने उपस्थित हो रहा हूँ। सुबह से अब तक डॉक्टर्स डे की विशेष के तांते लगे हुए हैं। इतने सारे मैसेजेस आए हैं कि मैं बहुत विभोर हो गया हूँ, पर फिर सोचता हूँ इन मैसेजेस का, इन विशेष का मायना क्या है। क्या आप सच में आपके डॉक्टर को ग्रीट करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो सिर्फ मैसेज भेजना ये सही तरीका नहीं है। डॉक्टर्स के लिए ये डॉक्टर्स डे 1 जुलाई 2020 इज़ अ डिफरेंट डे। पिछले कई सालों से सोशल मीडिया की मदद से हम उसे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, पर इस बार परिस्थिति बिल्कुल अलग है। पिछले 3 महीने में पहली बार 35 साल की मेरी प्रैक्टिस में ऐसा हुआ है कि बिना पढ़े, बिना मार्गदर्शिका के हम कुछ नई चीज़ें अपने आप सीखें। मुझे याद है 9 अप्रैल का वो दिन, जिस दिन पहली बार हमारी HCG अस्पताल कोविड अस्पताल के तौर पे डिक्लेयर की गई थी और पहला पेशेंट भर्ती हुआ था, और वो भी एक फिजिशियन। We were ill prepared. हम जानते सब कुछ थे, पर किया कुछ भी नहीं था और कोई हाजिर नहीं था। So in spite being 60+, I decided to venture. मैंने किट पहनी पहली बार और पेशेंट को देखने गया। आराम से समय देखकर पेशेंट को देखा। 2 और पेशेंट भी भर्ती हुए। That was our first encounter with COVID. वहाँ से लेके आज तक हम उतना टेक्स्ट बुक में से या फिर पेपर्स में से, यानी कि साइंटिफिक पेपर्स में से नहीं सीखे, इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास से नहीं सीखे, जितना हम पेशेंट से बात करके और उनकी ट्रीटमेंट करके सीखे हैं। भारत ने बहुत अच्छा काम किया है। लॉकडाउन के दरमियान हमारी हेल्थ सिस्टम, हम सब डॉक्टर्स वॉरियर के तौर पर तैयार हो गए थे। वी न्यू हाउ टू डील विथ पेशेंट्स। अगर पेशेंट आते हैं तो कैसे डील करना है, कैसे मास्क पहनना है, कैसे किट पहननी है, कैसे उनसे बात करनी है, ये सब चीज़ों के लिए हम तैयार थे। पूरा भारत, पूरी तबीबी आलम तैयार थी और उसी के कारण भारत में मॉर्टालिटी कम है। बिलीव मी, ये मॉर्टालिटी कम होने का सबसे बड़ा कारण डॉक्टर्स है, तबीबी आलम है, जो कि बिल्कुल रेडी थी क्या आने वाला है और उसे कैसे डील करना है। पहली बार कर रहे थे, पर सबने कॉन्फिडेंस के साथ अच्छी तरह से डील किया हुआ है। तो बात करते हैं डॉक्टर्स को कैसे ग्रीट किया जाए। मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगर सच में आप आपके डॉक्टर को ग्रीट करना चाहते हैं तो आज एक प्रतिज्ञा लीजिए, आज एक प्रण लीजिए। सबके लिए 6 फुट की दूरी, सबके लिए मास्क जरूरी। मास्क पहनना आपका फर्ज है, पर मास्क पहनाना आपका राइट है। फर्ज भी अदा कीजिए, राइट भी अदा कीजिए। आप मास्क पहनिए, सबको मास्क पहनाइए। आस्क फॉर मास्क। अहमदाबाद में केसेस कम हो रहे हैं, इसे कम रखने के लिए मास्क और 6 फुट की दूरी बहुत 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 ज़रूरी है। ये इतनी कभी भी ज़रूरी नहीं थी जितनी आज है। सो इफ़ एज ए डॉक्टर आप मुझे ग्रीट करना चाहते हैं या फिर हमारी तबीबी आलम के किसी भी डॉक्टर को ग्रीट करना चाहते हैं, तो ये मौका है, इसे गंवाइएगा मत। आज इसे शुरू कीजिए। रोज़ आप 10 आदमी को मास्क पहनने के लिए मजबूर करेंगे, समझाएंगे, उन्हें परस्यू करेंगे और 6 फुट की दूरी टूटने नहीं देंगे। चाहे वो घर के बाहर हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे बैंक हो या दुकान हो, कहीं पर भी कभी भी अगर ये 2 चीज़ अगले 15 दिन में हमने की, तो मान लो कम से कम अहमदाबाद would be really heading towards at least a short period of corona free world. तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सब लोग सच में हम तबीबों को ग्रीट करना चाहते हैं। द बेस्ट वे टू डू इट वुड बी टू ग्रीट अस विथ अ प्लेज। आज ही प्रतिज्ञा लीजिए और आज ही ये पालन कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।